तो दोनों जगह अभिव्यक्ति की आजादी और फिर बैन करने की बात, आपका नजरिया? देखिए सबसे बड़ी बात, तो ये है, ये मूवी एक सच्चाई दिखाती है और जो भी वायनाड की तरफ जाते हैं सांसद महोदय वो भी वहां जाके पता कर सकते हैं कि एक एनजीओ है जिसके पास ये रिपोर्ट्स आती हैं कि चार लड़कियां अभी गायब हुई हैं, पांच लड़कियां पहले गायब हुई हैं। खुद मैं एक अभिनेत्री के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मैं इस मामले पर नजर बनाए हुए काफी दिनों से, और मैं देखते हुए आ रही हूँ कि ये मामला जो है ये झूठा नहीं है, ये सच्चा है और ये सच्ची हकीकत है, और इसे लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो महिलाएं हैं इस देश की उनको कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता ही है अगर एक पक्ष को लेकर मूवी बना दी जाती है और वो आंकड़े जो है अगर दिखाए जाते हैं तो उसको झुकलाने का दूसरा पक्ष कोशिश करता है, जबकि ये मूवी विदाउट रिसर्च नहीं बनाई गई, सुदीप्त सेन ने पहले रिसर्च करी है उसके बाद ये मूवी बनी है, और सुदीप्त सेन बहुत ही सरल और सिंपल व्यक्ति है। और रही बात अगर आप इसे कोई भी मजहब से लेकर रिलीजन से लेकर देख रहे हैं तो आपको देखना है आप देखिए, लेकिन सच्चाई है, जंगे जिहाद के चलते आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आबादी जो वहां पर 56% हिंदुओं की हुआ करती थी आज 54% 2011 के लगभग थी, और उसके बाद 29% जिनकी थी उनकी 32% हो गई, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, और आपकी माँ बहनें बेटियां जाते रहेंगी, उनको एक वहां मदरसे बनाए गए हैं, मदरसे ऐसे नहीं है जो नॉर्मल मदरसे होते हैं, मदरसे वो जो कहते हैं कि ट्रेनिंग दो लड़कियों से, कहते हैं तुम दूसरी लड़कियों को लाओ, और वो लड़कियां जो होती हैं दोस्त बनके उनको लाती हैं वहां पर और ब्रेन वॉश करती हैं, और ये बात ये किसी से छुपी नहीं है, आप केरला में अपने रिपोर्टर्स भेजिए आपको पता चल जाएगा, जो माएं रो रही हैं वैसे ही रो रही हैं, जो बहनें रो रही हैं वैसे ही रो रही हैं, एक अभिनेत्री